तो गाइस अभी लोग आप देख सकते हो कि हमारे कर्नाटक से एक भाई आए, वकार भाई। तो इन्होंने एक हैंडसेट 3 महीने से रखा हुआ था उनकी शॉप पर, और फिर यहाँ पे उन्होंने अभी लाए और उन्होंने खुद से उसको ट्रेस किया, जैसा वकार भाई ने बताया था, हम लोगों ने बताया था उस हिसाब से उन्होंने उसको ट्रेस किया और फ़ोन को ऑन किया है। तो चलिए जानते हैं वकार भाई से। बताइए वकार भाई, हैंडसेट ये नोट फोर था जी 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 कौन सा पूरा हैंडसेट है ट्रेस। बताइए, हाँ कौन सा हैंडसेट है बताइए फिर से। नोट फोर, जी MI नोट फोर, ग्राफिक का इशू था तो उसको रखे हुआ था मैं 2-3 महीने से इंस्टीट्यूट में आके सीखे करना बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह आज CPO रिबॉलिंग ट्रेसिंग करके MI नोट फोर रिबॉलिंग कर दिया, 100% रिजल्ट आ गया। ये आप साथ में लाए थे? हाँ ये साथ में ही लाया था मैं। आपने पूरा ट्रेस किया इसमें? हाँ ट्रेस किया और उसके बाद में CPO रिबॉलिंग करके बिठा CPU के। का प्रॉब्लम निकला? हाँ रीसेट लाइन का प्रॉब्लम था आपने? रीसेट लाइन का, रीसेट लाइन का प्रॉब्लम था। ऑन हो रहा है हैंडसेट? हाँ हो रहा है। बताइए ग्राफिक्स पर। तो ये देख सकते हो हैंडसेट पूरा ऑन हो चुका है। तो क्या कहना चाहोगे जो गुलबर्गा से इस वीडियो को देख रहे हो भाई के लिए, क्या कहना चाहोगे? और कोई भी आना चाहे, सीखना चाहे वकार इंस्टीट्यूट, वो बेझिझक आ सकते हैं। हमारे वकार भाई के लिए एक बार क्लैपिंग करो भाई। अच्छा उनके साथ में जो एक बंदे आए तो उनसे जानेंगे हम लोग कि ये हैंडसेट जो नोट फोर है ये रियल में वकार भाई ने रिपेयर किया है नहीं किया है, बताइए भाई हमारे व्यूअर्स को। ये वकार भाई रिपेयर करे मोबाइल 3-4 महीने हो गया था जी, मोबाइल डेड था, ये ग्राफिक का प्रॉब्लम था इसके अंदर। प्रॉब्लम था तो क्या इन्होंने ट्रस्ट करके क्या है, खुद बनाए जी और रिबॉलिंग करे इसके अंदर। वकार भाई बोले तो आपके फ्रेंड ना? फ्रेंड गुलबर्गा वाले ये हमारे वकार भाई, इनका भी नाम वकार भाई है। तो देख सकते हो अभी बैच रनिंग चल रही है।